देखो भाई, आप लोग बात समझते नहीं हो। ये सज्जनता से बात करना, मर्यादा से पेश आना, नैतिकता, ये सब सामान्य काल के लिए होता है, आपातकाल के लिए नहीं होता। इसके पहले भी बता चुका हूँ। अब मेजर जनरल गगनदीप बख्शी जी बग दिए वहाँ की गाली, अब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार, वो आदमी कौन है मेरे भाई? कैरियर 1971 से चालू किया और तोड़ाई से चालू किया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे जब, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 1971 से उन्होंने कैरियर चालू किया। जम्मू कश्मीर राइफल का आदमी है वो। अब जम्मू कश्मीर राइफल में रहा है, रोज आतंकवादियों से पाला पड़ना है, रोज उनकी माँ बहन करना है। आप जानते हो कि लड़ाई जब होती है, सामान्य लड़ाई भी हो जाए, तो जो पहले गाली बक दी और पहले चढ़ के एक फाइट मार दिया, वही जीतता है। और यदि इस आपातकाल में जब चीन हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, इधर नेपाल के साथ तमाम तरह की चीन चालबाजियां करके उसको अपने घेरे में ले रहा है, ऐसे समय में मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए हमको गाली भी देना है और गोली भी देना है। आपको मर्यादा के अनुकूल नहीं लगे भाई, कान बंद कर लो यार। तुम्हारी रक्षा के लिए ही कर रहा है वो आदमी, ठीक है? वहां पर बैठकर चाइना का कोई सपोर्ट करेगा, वहां पर बैठकर कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, इंडियन आर्मी का मनोबल तोड़ने वाली बात करेगा, दूसरी सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात करेगा, तो उसको तो माँ की गाली दी जाएगी। और ये युद्ध नीति का एक अंग होता है, आप समझते क्यों नहीं हो? जबलपुर का आदमी है वो, नर्मदा मैया का पानी उसकी रगों में दौड़ रहा है। मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब जो है जबलपुर के हैं, धुआंधार में रोज कूदते थे और उधर से निकलते थे, बहुत वीर व्यक्ति हैं। नर्मदा मैया का जल उनकी रगों में खून बन के दौड़ रहा है। मोहब्बत भी वैसे ही दिखाते हैं और फिर दुश्मन को उसकी औकात भी वैसे ही दिखाते हैं। यहाँ पे नैतिकता का ज्ञान मत पेलो। कल को बोलोगे बॉर्डर से जो वीडियो आ रहे हैं कि हमारे सैनिक माँ बहन की गाली दे रहे हैं चीनी सैनिकों को, जी ये तो अनैतिक है जी, ये तो माँ बहन की गाली तो नहीं देना चाहिए, माताओं बहनों का सम्मान। अरे मूर्ख, तेरी माताओं बहनों को बचाने के लिए उनकी मैया दैया एक कर रहे हैं। मेरे मुँह से निकलवाओ मत, आपातकाल में सब करना पड़ता है। तुम वहां पे सैनिकों को कहोगे कि नहीं देना चाहिए गाली चीनी सैनिकों को, वो गाली क्यों दे रहे हैं भारतीय सैनिक? अरे देंगे, वो साले चीनी भाषा में बक रहे हैं तो हम हिंदी में बकेंगे, जो हमको आता है हम वो बोलेंगे, उनका मनोबल तोड़ेंगे। बेवकूफों की तरह आपातकाल में उल जलूल बातें करते हो, ना समझो की तरह पेलो सालों को। देश की रक्षा का प्रश्न है, जितना पेल सकते हो पेलो। गाली से पेलना है गाली से पेलो, गोली से पेलना है आर्मी। हम लोग गाली से दे उनको बत्ती और आर्मी दे गोली से। आपातकाल का समय है यार, हम सब मर जाएंगे चीनी यहां घुस गए तो। रोबोटिक है वो लोग, कोई इंसान नहीं है चीनी सैनिक लोग, सालों के पास कोई संवेदना कोई हृदय नहीं है। हम लोग जीते थोड़ा रहम भी कर देंगे, वो कोई रहम नहीं करेंगे। हमारी माँ बहने नहीं बचेंगी जिंदा। यहाँ पे नैतिकता का ज्ञान फेल रहे हो कि जी डी बख्शी साहब ने गाली बक दी और ये कर दी, ठीक किया। आपातकाल में बोल रहा हूँ, ये सामान्य काल में सब ठीक है, नैतिकता, माता बहन की गाली नहीं बकना, ये नहीं करना, सब ठीक। सामान्य काल में सब ठीक, आपातकाल का जो नियम है साम दाम दंड भेद सब होगा, उसका मनोबल और उसकी कमर की हड्डी दोनों तोड़ेंगे दुश्मन का। जय हिंद।